हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। हर कोई रैलियों और जनसभाओं के जरिए अपनी दावेदारी दर्ज करा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा लोकहित पार्टी ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है, जिसको लेकर सिरसा के गांव चौबरजा में हरियाणा लोकहित पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों के लंबे काफिले के साथ एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा का अभिनंदन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाल कांडा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा की जनता ने 2009 में उन्हें आशीर्वाद देकर विधायक बनाया, जिसके बाद राज्य सरकार में वो गृह राज्य मंत्री बने और सिरसा के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू करवाई। साथ ही दावा किया कि इस बार हरियाणा लोकहित पार्टी के बिना प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने एक बार फिर लोगों से समर्थन और वोट की अपील की है। देखो बात यह है कि वोट सारा एक का नहीं देगा जी, ऊपर जी का हल्का अपने 50 साल हो गया, एक का ही गाली दे उन्हें ढंग से और मैं जितना काम होया करा दिया, पर अब की बारी ये पार्टियां पुटियां सारी भूल गए कि कौन सी के है। वोट एक का नहीं देगा जी, और काम सराटा हूँ सारा मैं धर्मदा दी बात। कैंसर को है जुगाड़ मैं था, देखो कैंसर की बीमारी क्या फैल रही है, चेकिंग क्या भी करानी है सरकार आते ही, और आपके पीसा से एक बहुत मोटो हॉस्पिटल खाली कैंसर को मैं सरसा में बनाऊंगा। मेरा कई जरूरतमंद भाई ने कोई दिल्ली जयपुर कड़ी बठिंडा ना भाजन पड़े, कहीं कोई तकलीफ हो जाए तो मैं मेरी तरफ से मेरे ट्रस्ट की तरफ से सरसा में कैंसर को हॉस्पिटल बनाऊंगा।